दोस्तों, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, जिसके मालिक मार्क जुकरबर्ग सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र वाले अरबपति बन गए थे, और वो भी सिर्फ फेसबुक वेबसाइट से। मानो तो फेसबुक आज हमारी जिंदगी की अहम जरूरत सा बन गया है। कई लोग तो अपना पूरा दिन फेसबुक में ऑनलाइन रहकर भी बिता सकते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, हर चीज के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं, जिन्हें हम अमेजिंग फैक्ट्स या रोचक जानकारी भी कहते हैं। ऐसे ही फेसबुक के भी कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको फेसबुक से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल पंक यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 से हुई थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो इसका जवाब होगा मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों, ये जवाब गलत है, क्योंकि फेसबुक के रियल फाउंडर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक दिव्य नरेंद्र हैं। जुकरबर्ग और दिव्य नरेंद्र दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और अपनी पढ़ाई के दौरान ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मार्क जुकरबर्ग सिर्फ मौखिक सहयोग के लिए थे, लेकिन जुकरबर्ग ने इस प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया, और इतना ही नहीं, उसने डोमेन नेम thefacebook.com को भी अपने नाम कर लिया था। इसके बाद दिव्य नरेंद्र और जुकरबर्ग के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई थी, और इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ये साल 2004 की बात है, जब दिव्य नरेंद्र ने जुकरबर्ग के खिलाफ केस कर दिया था। इस केस के दौरान ये क्लियर हो गया कि फेसबुक के असली फाउंडर कोई और नहीं बल्कि दिव्य नरेंद्र ही हैं। इस धोखाधड़ी के बदले जुकरबर्ग को हर्जाने के तौर पर $650 लाख देने पड़े थे, लेकिन दिव्य नरेंद्र इस हर्जाने से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फेसबुक की वैल्यू क्या है। दुनिया के हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति फेसबुक यूज़र है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को सैलरी के तौर पर हर साल सिर्फ $1 मिलता है। आपको शायद ही पता होगा कि फेसबुक को सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और कुछ चुनिंदा भाषाओं में ही नहीं, बल्कि फेसबुक को यूज़र अपनी सुविधा के हिसाब से 70 अलग अलग भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक के लोगों से लेकर फेसबुक का सब कुछ नीले रंग यानी ब्लू कलर का है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। उन्हें हरे और लाल रंग में अंतर का पता नहीं लगता, इसी कारण फेसबुक का रंग नीला रखा गया है। फेसबुक पर 9% अकाउंट फेक हैं। फेसबुक पर हर महीने लगभग 2.5 अरब पिक्चर्स अपलोड होती हैं। फेसबुक पर हर 20 मिनट में लगभग 18,51,000 स्टेटस अपडेट किए जाते हैं, और लगभग 10 लाख अपडेट्स लाइक तथा शेयर किए जाते हैं। फेसबुक पर हर 20 मिनट में लगभग 15 लाख इवेंट इनवाइट व पोस्ट किए जाते हैं, और लगभग 14 लाख फोटो टैग किए जाते हैं। फेसबुक पर हर यूज़र के औसतन 130 फ्रेंड्स हैं। फेसबुक पर हर 20 मिनट में लगभग 27 लाख मैसेज भेजे जाते हैं। 18 से 34 वर्ष के उम्र वाले ज़्यादातर फेसबुक यूजर्स सुबह अपनी नींद खुलने के बाद सबसे पहला काम फेसबुक चेक करने का ही करते हैं। यदि किसी फेसबुक यूज़र की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी प्रोफाइल ऐसे ही चलती रहती है? जी नहीं दोस्तों, यदि हमारी जान पहचान में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम फेसबुक को रिपोर्ट करके उस प्रोफाइल को फेसबुक पर एक स्मारक यानी मेमोरलाइज्ड अकाउंट का रूप दिलवा सकते हैं। 1 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट अलग अलग तरह से फेसबुक से जुड़ी हुई हैं। मार्क जुकरबर्ग के पेज तक पहुंचने के लिए एक खास शॉर्टकट भी है। आप फेसबुक के URL के आगे अगर 4 लिख दें, तो आपका ब्राउज़र आपको सीधे मार्क जुकरबर्ग की प्रोफाइल पर ले जाएगा। आप फेसबुक पर मार्क जुकरबर्ग को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाए, तो इसे हर मिनट $25,000 के हिसाब से नुकसान होगा। फेसबुक हर महीने करीब $3 करोड़ सिर्फ होस्टिंग पर ही खर्च कर देता है। 2011 में फेसबुक अमेरिका में
तलाक होने का सबसे बड़ा कारण बना था। अमेरिका में हर 5 में से एक शादी के टूटने की वजह कहीं न कहीं फेसबुक से जुड़ी होती है। 2011 में फेसबुक की मदद से ही आइसलैंड का संविधान भी लिखा गया था। आपने जिस डेटा को फेसबुक पर टाइप तो किया लेकिन उसे कभी पोस्ट नहीं किया, क्या आप सोच सकते हैं कि उस डेटा को भी कोई पढ़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो ऐसे डेटा को एनालाइज करती है जो आपने टाइप तो किया लेकिन उसे कभी पोस्ट नहीं किया। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं तो फेसबुक हैक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान को $500 दिए जाते हैं जो फेसबुक को हैक कर सके, और अगर आप फेसबुक की किसी भी गलती को पकड़ लेते हैं तो भी आप इनाम के हकदार हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के लाइक बटन का नाम पहले ऑसम रखना चाहते थे। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक बैन है। फेसबुक पर हर रोज करीब 6 लाख हैकिंग अटैक होते हैं। फेसबुक पर कई बार अनफ्रेंड करने की वजह से कई लोगों का मर्डर भी हो चुका है। तो दोस्तों, अगली बार से किसी को भी अनफ्रेंड करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको फेसबुक से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।